अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने दहेज प्रताड़ना तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने दो अलग अलग धाराओं में 7 व 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी को 10,000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। न्यायालय के अनुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक चंद्र विजय सिंह तथा सहायक छित्तरमल वर्मा ने की। जानकारी के अनुसार मसूदा रोड पारस कॉलोनी स्थित गाडोलिया लोहार बस्ती निवासी मंजू पत्नी युवराज लोहार ने 11 दिसंबर 2018 को अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष जयगढ़ चरावा मावली उदयपुर निवासी लोग ब्यावर पहुंचे। यहां पर पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मृतका को दहेज के लिए परेशान करने का तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। साथ ही मृतका के भाई प्रकाश पुत्र प्रभुलाल लोहार ने इस संदर्भ में सिटी थाने में मृतका के प्रति युवराज पुत्र नारूलाल लोहार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने प्राप्त शिकायत पर आरोपी युवराज के खिलाफ धारा 304 बी तथा 498A में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में 4 वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक चंद्र विजय सिंह तथा सहायक छित्तरमल वर्मा ने प्रकरण में कई गवाह तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद मंगलवार को न्यायाधीश की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद विगत कई दिनों से जमानत पर चल रहे आरोपी युवराज को सिटी थाना पुलिस ने सेदरिया स्थित उप कारागृह भिजवा दिया। 11 दिसंबर 2018 को पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रकाश गाडोलिया लोहार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन मंजू पत्नी युवराज जो कि मसूदा रोड लोहार बस्ती में रहती थी, उसकी शादी 2013 में हुई थी, जिसके एक साल बाद उनके एक घर में एक लड़की का जन्म हुआ और लड़की के जन्म होने के कारण युवराज मंजू से मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता और दहेज की मांग करता, जिस कारण मंजू तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अनुसंधान पुलिस थाना ब्यावर सिटी ने आरोप पत्र मान्य न्यायालय एडीजी संख्या 3 में पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 45 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जहां मान्य न्यायालय एडीजी 3 ने आज दिनांक को आरोपी युवराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत 2 साल की सजा व 304B के तहत 7 साल की सजा व 10,000 रुपये के जुर्माना अर्थदंड से दंडित किया। खुशखबरी, जी हाँ, डॉक्टर सुनील सोनी लेकर आए हैं विश्व की सबसे आधुनिक थेरेपी। अब ब्यावर में भी ऑस्टियो हील एडवांस फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगी बायोस्टिमुलेशन ऑप्टन थेरेपी, शॉकवेव थेरेपी, रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी, जिसमें माइग्रेन, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधा जाम, साइटिका, स्लिप डिस्क, मांसपेशी विद लिगामेंट इंजरी, घुटनों का दर्द, चेहरे का लकवा, गठिया वाय, वात रोग, कोहनी का दर्द, हाथों व पैरों में सुन्नपन व झंझनाहट, स्पोर्ट्स इंजरी, डिस्फंक्शन, एडी का दर्द, बल्जिंग डिस्क व अन्य सभी तरह के जोड़ों के दर्द की समस्या का हाई पावर लेजर द्वारा इलाज, बीओटी हाई पावर लेजर व शॉक वेव थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं, मरीज को पहले दिन से ही आराम, इलाज में 10 से 15 मिनट का समय, अधिकतम 10 से 15 सिटिंग में पूरा आराम। दुनिया के सबसे आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति तो आज ही चले आए ऑस्टियो हील एडवांस फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक क्लिनिक, 12 साखला कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8824745003। क्या आप सिर दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी पास की व दूर की नजर कमजोर है? क्या आप कंप्यूटर पर काम करते वक्त थकान महसूस करते हैं? क्या आप मोतियाबिंद से परेशान हैं? तो आज ही चले आए कंवर चश्मा घर। हमारे यहाँ जापानी कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच करके नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। सिर दर्द, आंखों से पानी आना, जलन होना, दूर व नजदीक से छुटकारा, कंप्यूटर के लिए ग्रीजाल, ब्लू कट, एंटी क्लिप, प्रोग्रेसिव, ऑटो ग्लास, व्हाइट ग्लास और साथ ही ब्रांडेड कंपनियों में ओपीएम, ली कूपर, फास्ट ट्रैक, वेलोसिटी, सेटमार्क्स, रेबन, आईडी, आयरस आदि कंपनियों के चश्मे उपलब्ध। वे आंखों की सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक कलर लेंस, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, हेजल वायलेट और भी अनेक रंगों में नजर का चश्मा मात्र 30 मिनट में पाए। बीपीएल परिवारों को नजर के चश्मे बनवाने पर 10% की विशेष छूट। 35 वर्षों से आपकी सेवा में, एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। तो हमारा पता नोट कीजिए, कमल चश्मा घर, हेमलानी मार्केट के सामने, पाली बाजार, प्यावर। मोबाइल नंबर 9829065289873981113।